साथियों नमस्कार। अभी की सबसे बेहद बुरी खबर निकल कर आ रही है साथियों, 5 बसों में बुरी तरह से आग लगी है। जी हां साथियों, इतना भयंकर बड़ा ब्लास्ट हुआ है। 5 यात्रियों से भरी बस में साथियों बुरी तरह से आग लगी है। भगदड़ और चीख पुकार, भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। तो साथियों देंगे पूरी जानकारी, तो स्वागत है आप सभी का लिसन सुरेंद्र न्यूज में। साथियों जो अभी की खबर है, रेल हादसे के ठीक दूसरे दिन झारखंड में पुणे एक भीषण हादसा हुआ है। दुमका जिले में गुरुवार को एक तेल टैंकर में भीषण आग लग गई। इसके बाद तेल टैंकर में ब्लास्ट कर दिया गया है। इसके बाद आसपास खड़ी 5 यात्री बसों में आग लग गई। देखते देखते चौहों और कोहराम मच गया और यह सड़क मार्ग होने के कारण तेल टैंकर में टायर में पहले आग लगी है। इसके बाद टैंकर असंतुलित होकर पलट गया। इसके बाद आग लग गई, कुछ ही मिनट में टैंकर ब्लास्ट कर गया। ये हादसा दुमका हसडीहा NH पर हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस जगह यह हादसा हुआ, पास ही एक लाइन होटल भी है, उस पर भी आग लग गई थी। इसके बाद बसों में फंसे लोगों को किसी तरह से बाहर निकाला गया है। घटनास्थल के आधा किलोमीटर दूर एक शव भी मिला है। इसकी शिनाख्त की जा रही है। माना जा रहा है कि विस्फोट के कारण ये शव उड़कर वहां चला गया होगा। ये शव संभवतः टैंकर चालक का हो सकता है। वैसे भी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इतना ही नहीं, विस्फोट के कारण 11,000 का करंट प्रभावित बिजली भी टूटकर गिर गया है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि हादसे के बाद NH पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर शेयर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।